नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 16 प्रस्ताव पास किए गए। राज्य सचिवालय में बैठक हुई और कैबिनेट बैठक में सतपाल महाराज, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। और इस दौरान प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने सहित कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी, अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया। यह मोबाइल ऐप लोक निर्माण विभाग ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए बनाया है। इसके माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर पूरी जानकारी के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायतकर्ता को ऐप के माध्यम से दर्ज शिकायत पर हुई कार्रवाई के विषय में भी चित्र सहित जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और इस दौरान सीएम धामी ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐप के माध्यम से शिकायतकर्ता से सड़क पर गड्ढे से संबंधित जो शिकायत की जाएगी उसका समाधान 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराया जाए। तो वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल पहुंचे, जहां राज्यपाल ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान राज्यपाल को गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। तो वहीं इस दौरान राज्यपाल के साथ प्रथम महिला गुरमीत कौर भी मौजूद रहीं। तो वहीं देहरादून में 19 मई को भाजपा कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर भाजपा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस बार की बैठक में सभी सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट ने जनता टीवी से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। सर, स्वागत है जनता टीवी में। सर, पहला तो ये रहेगा कि कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? कल हमारी पदाधिकारी बैठक है और हमारी सह प्रभारी रेखा वर्मा जी बैठक पर रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के बाद महासंपर्क अभियान पूरे अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और हमारे राज्य के अंदर भी इस कार्यक्रम का एक स्वरूप हम देने वाले हैं, जहाँ प्रत्येक लोकसभा के अंदर बड़ी सभाएँ होंगी। उसके साथ साथ देश के राष्ट्र नेता, और हमने तो आग्रह किया है प्रधानमंत्री से, उत्तराखंड की एक सभा में वो रहेंगे और इसके साथ साथ विधायक विधानसभा स्तर पर जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन होगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों से हमारी भेंट होगी, वार्ता होगी और मुख्य रूप से जो हितकारी लाभकारी लाभार्थी उनके साथ ही बड़े कार्यक्रम हर विधानसभा स्तर पर होंगे। कार्यक्रम का स्वरूप ने बनाया है और प्रत्येक परिवार में संपर्क ये बनाने का होंगे। इसके साथ साथ हमने तय किया कि जो उत्तराखंड की प्रतिभाएं हैं, चाहे खेल जगत में हो, चाहे सेना के क्षेत्र में, उन सब लोगों को से हमारा संपर्क हो, हमारा मिलना हो, हमारे सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उन परिवार तक भी संपर्क करेंगे। सर, कई कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कैबिनेट बंटवारा होगा, क्या कुछ तैयारी रही, क्योंकि लिस्ट भी आप लोगों की तरफ से भेजी जा चुकी है, किस तरीके से? कैबिनेट का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेकाधीन है अभी, क्योंकि नीति आयोग की बैठक है, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत करेंगे, उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी सबके सम्मुख आएंगे। सर, बागेश्वर चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देने की बात है या फिर संगठन में से किसी तरीके से? अभी हमने चुनाव की दृष्टि से वहाँ पर्यवेक्षक भेजेंगे और कार्यकर्ता जो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके नाम आएंगे। सर, पार्टी भी सर्वे कराती है और हम सरकारी स्तर पर सर्वे कराएंगे। जो कार्यकर्ता जीत रहा है, जो कार्यकर्ता प्रभाव है उसको टिकट देंगे। इतना मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि बागेश्वर चुनाव हम बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। सर, एक हरीश रावत जी ने एक पेज पे अपना वो साझा किया है, उसमें उन्होंने अल्मोड़ा और हरिद्वार सीट के लिए बात की है, तो क्या लगता है कार्यकर्ताओं को असहज करने का काम भी कर रहे हैं हरीश रावत जी? कांग्रेस पूरी तो हार मान चुकी है और 5-2 पे आ गई है और हरीश रावत जी भी जानते हैं कि अनेकों बार अल्मोड़ा लोकसभा लड़ते लड़ते और हर बार उनकी हार हुई है। हरिद्वार का जहाँ तक विषय है, हरिद्वार के अंदर तो अब कांग्रेस बची नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ गए हैं और हरिद्वार हो चाहे अल्मोड़ा हो, भविष्य की 5ों जो लोकसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतेगी।
उधर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य गंगोत्री धाम पहुंची, जहां मंत्री रेखा आर्य ने मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की भी कामना की। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान गंगोत्री धाम में आए श्रद्धालुओं के साथ बातचीत की और हालचाल जाना। उन्होंने श्रद्धालुओं से चार धाम यात्रा को लेकर फीडबैक भी लिया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आज मां गंगा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और कहा कि पतित पावनी मां गंगा सभी की जीवनदायिनी है। साथ ही रेखा आर्य ने कहा कि आज उन्हें भी श्री गंगोत्री धाम की पवित्र भूमि में आने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां गंगा जी के दिव्य दर्शन कर पूजा अर्चना की। देखिए आज बड़े सौभाग्य से मुझे दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से यात्रा पूरा यमुना पथ में चलते हुए माँ के उद्गम स्थल तक पहुँचना अपने आप में शब्दों में बयान न कर सकने वाला एक भाव है। और जिस प्रकार से यात्रियों में जोश है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 से 65 वर्ष की उम्र की माता जी भी पूरी श्रद्धा के साथ में यमुनोत्री धाम से अपनी यात्रा को प्रारंभ करने का उन्होंने संकल्प लिया है और बाकायदा पूरा 5-6 किलोमीटर वो हमारे साथ चल के आई। इससे पता चलता है कि कितनी श्रद्धा जो है यमुनोत्री धाम के प्रति है। आज मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही मंदिर कमेटी के लोगों से भी मुलाकात हुई और मंदिर कमेटी के लोगों ने कुछ व्यवस्थाएँ यहाँ पर मांगी है, जिसको लेकर आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता रही, पर्यटन मंत्री जी से भी इस संदर्भ में वार्ता करूँगी कि महिलाओं के लिए चाहे वो चेंजिंग रूम हो या टॉयलेट्स हो, ये यहाँ पर बने और कुछ व्यवस्थाएँ जो यहाँ पर होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पर हो। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी यह गौर करने वाली बात है कि यात्रा निर्बाध तरीके से चल रही है। लोग स्वयं अनुशासन में अनुशासित होते हुए बाकायदा यात्रा कर रहे हैं और माँ यमुना से तो इतनी ही प्रार्थना रहेगी कि हमारे उत्तराखंड में हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। जिस प्रकार से उत्तराखंड का परिचय इन चार धामों से आता है, यमुनोत्री धाम जहाँ से इसकी शुरुआत होती है, मैं चाहूँगी कि माँ की कृपा सदैव इस देवभूमि को प्राप्त होती रहे और उत्तराखंड का हर वासी सुख समृद्धि को प्राप्त करे। यही कामना जो है मैंने आज यमुनोत्री धाम में आकर माँ से मांगी। मैं शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि शायद आज बुलावा आया तो इसलिए आने का मौका मिल गया। मैं माँ का बहुत अभिनंदन करती हूँ। उत्तराखंड सरकार ने आज अधिकारियों के दायित्व में बंपर फेरबदल किया, जिसमें सरकार ने 24 आईएएस और एक पीसीएस अधिकारी के दायित्व में फेरबदल किया है। किसी के विभागों में कटौती हुई तो कहीं डीएम बदल दिए गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल पद ग्रहण करें। आपको बता दें कि 1988 बैच की आईएएस राधा रतूड़ी से राजस्व परिषद अध्यक्ष का दायित्व वापस ले लिया गया है, जबकि 1990 की आईएएस मनीषा पवार को यह जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने नगीना कॉलोनी लालकुआं से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी करने के बाद पुलिस और प्रशासन ने एसडीएम मनीष कुमार और एसपी सिटी हरबंश सिंह के नेतृत्व में नगीना कॉलोनी अक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। नगीना कॉलोनी के लोगों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने शुरुआत में भारी प्रदर्शन किया, विरोध भी जताया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं प्रशासन ने लगभग 300 से ज्यादा घरों को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत में आम आदमी पार्टी, परिवर्तन काम, छात्र संगठन, महिला एकता केंद्र सहित कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भारी विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसडीएम और एसपी सिटी का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अभी तो सामान हटाया भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं दे रहा है जो हम सामान हटा सके यहाँ से। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, यहाँ तो हमारा ठिकाना भी नहीं कहीं, क्या करें। अब इतना टाइम ही नहीं दे रहा है जो हटाए, बच्चों को देखे, बच्चे भी घर में नहीं हमारे तो सब। क्या लगता है क्या होगा आगे को, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे रोजी रोटी चलेगी? देखो क्या होता है, क्या चाहेंगे हम लोग, हमारे तो है घर से बेघर हो रहे हैं, हमारा तो सब छूट जा रहा है।
तो सरकार कहाँ सुन रही है, सरकार नहीं सुन रहा है कोई, नहीं सुन रही। सरकार ने कह दिया कि रेलवे तो लेके रहेगी, हम क्या कर सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के निर्देश के क्रम में ये नगीना कॉलोनी लालबुआ का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें जिला पुलिस, RPF और हमारी GRP है और इसके रेलवे प्रशासन के अधिकारी भी हैं, उपस्थित हैं यहाँ पर। सबकी मौजूदगी में ये जो अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है और ये माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में आज सुबह से अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारे नैनीताल पुलिस के 3 गजेटेड अफसर, राजपत्रित अधिकारी, जिले के 7 SO इंस्पेक्टर और 1 कंपनी PAC, इसके अलावा महिला पुलिस, महिला सब इंस्पेक्टर इस अभियान में लगाए गए हैं। लालकुआ के नगीना कॉलोनी में आज से रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। 300 से ज़्यादा घरों से अतिक्रमण हटाया जाना है, जिसको लेकर आज से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। भारी पुलिस बल के साथ आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुरुआती तौर पर कुछ स्थानीय लोगों और राजनीतिक दल के लोगों ने विरोध भी किया, हालांकि उसके बाद पुलिस टीम ने सभी को अपनी हिरासत में ले लिया है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में 300 ज़्यादा घरों को तोड़ना है, जिससे हजारों लोग बेघर होंगे। वहीं पुलिस और प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता TV। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी योगेश शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। योगेश, निश्चित तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, 300 से ज्यादा ऐसे घर बताए जा रहे हैं जिन पर बुलडोजर चल रहा है या फिर आने वाले समय में चलेगा, लेकिन मांग मुख्य तौर पर क्या कुछ की जा रही है जो तमाम पीड़ित परिवार हैं जिनका घर अब एक तरह से कहा जाए जो उजड़ता जा रहा है? देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालकुआ के नगीना कॉलोनी में आज से रेलवे ने अपना अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है, जहां 300 से ज्यादा घरों को उन्होंने अतिक्रमण की जद पर बताया कि रेलवे की भूमि है और यहां से अतिक्रमण हटाया जाना है। हालांकि वहां के लोगों का कहना है कि रेलवे की जमीन नहीं है, हमारी जमीनें हैं, लंबे समय से हम यहाँ रहते हैं, कई पक्के मकान भी इसमें है, तो कहीं ना कहीं ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है इससे हजारों लोग बेघर होंगे। जिसके बाद वहाँ के स्थानीय लोग हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया था और तत्काल अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम ने भी अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई शुरू कर दी है। योगेश, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आज के दिन की अगर कार्रवाई पर अगर हम नजर डालें तो कितने अवैध अतिक्रमण को हटाया गया आज? देखिए, आज फर्स्ट फेज में आधे से ज्यादा अतिक्रमण को यहाँ पर हटाया गया है। हालांकि शुरुआत में जब सुबह ही अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया तब इसका भारी विरोध भी यहाँ पे हुआ। यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, चाहे राजनीतिक दलों के हो, सामाजिक संगठनों के हो, उन्होंने इसका विरोध भी किया। पुलिस बल ने तत्काल उन्हें हिरासत में लेते हुए अपनी कार्रवाई जारी रखी। अब कल भी ये अतिक्रमण अभियान दोबारा से चलाया जाएगा। लेकिन योगेश, जिस तरह से साफ तौर पर लोगों की ओर से विरोध अपना दर्ज किया जा रहा है और तैनाती यहाँ पर किस तरह की, प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की है? वैकल्पिक तौर पर पुलिस प्रशासन भी दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद हैं। देखिए, अतिक्रमण हटाओ अभियान में किसी तरह का बवाल या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियां की थी। पूरे जिले से यहाँ पर फोर्स लगाया गया है, इसके साथ ही PAC और IRB को भी तैनात किया गया है। लोकल इंटेलिजेंस भी यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, LIU भी अपनी नजर बनाए हुए है किस तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि शुरू में कुछ विरोध हुआ, उसके बाद ये शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा जो अतिक्रमण है हटाया गया। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना करें। अब योगेश, एक आखिरी सवाल, और प्रशासन का क्या मानना है, कब तक इस पूरी जमीन को खाली करा लिया जाएगा? देखिए, पुलिस और प्रशासन को रेलवे प्रशासन ने जो अपने साथ में रखा है पूरी कार्रवाई हटाने के लिए, 2 से 3 दिन का समय कहा जा रहा है कि पूरा अतिक्रमण जो है मुक्त करा दिया जाएगा जमीन को। और यहाँ पे जो आने वाले समय में है, रेलवे अपना विस्तार करने जा रहा है, कई बड़ी लाइनें डालने जा रहा है, इसके अलावा दूसरे भी कई योजनाएं हैं जिनको शुरू यहाँ पे किया जाएगा, उसको देखते हुए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो अगले 2 से 3 दिन में ये पूरा अतिक्रमण हटाए जाने का दावा रेलवे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल योगेश, 300 से ज्यादा घर, 5000 से ज्यादा की आबादी इस पूरी कॉलोनी की, और अब हाईकोर्ट के निर्देश पर जगह को खाली कराया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज से दरअसल ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था रेलवे की जमीन, मामले ने काफी तूल पकड़ा था जब शुरू में मामला उजागर, और उसके बाद से ही लगातार मामले में अब कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।
प्रदेश में जलभराव की समस्या को कम करने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्जेबल सॉकपिट का निर्माण किया जाएगा, जिनके लिए प्रदेश में 33 इलाकों को चिन्हित किया गया है। आपको बता दें कि रिचार्जेबल सॉकपिट का निर्माण नगर निगम की ओर से होगा, जिसके लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हमने कार्य योजना तैयार कर ली है, जल्द ही बरसात में होने वाले जलभराव की समस्या को खत्म किया जाएगा। कि जल भराव ना हो, इसके लिए लगातार जो है नगर निगम काम कर रहा है। अभी भी हमने कुछ सॉकेटों के जो है टेंडर करे हैं, और जहां निकासी की संभावना नहीं है, जहां निकासी नहीं हो रही हो पा रही है, वहां सॉकेट बनाकर जो है ताकि बरसात में जल भराव ना हो, ऐसे हर वार्ड में जो है हम सर्वे भी कर रहे हैं, और एक सिंचाई विभाग भी एक पूरा मास्टर प्लान जो है शहर में नालियों को लेकर बना रहा है, उससे भी बड़ी राहत मिलेगी। और कुछ काम जो है हमारी स्मार्ट सिटी से भी हो रहे हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी से भी हो रहे हैं, तो शहर में कहीं भी जल भराव ना हो, इसके लिए सभी विभाग भी प्रयासरत हैं, और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि शहर जो है देहरादून शहर जो है स्मार्ट सिटी के काम भी चल रहे हैं, अन्य विभागों के काम भी चल रहे हैं, और आने वाले समय में बरसात के साथ साथ जो है अभी कल मैंने एक मीटिंग भी बुला रखी है अधिकारियों की, जहाँ जहाँ हमारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, जहाँ पीडब्ल्यूडी के काम चल रहे हैं, जहाँ नालियों के विशेष तौर से नालियों के काम चल रहे हैं, उसमें क्या प्रगति है, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम बरसात से पहले पहले ये जो खुदाई वाले काम है ये बरसात से पहले पहले सब कंप्लीट हो जाने चाहिए। मसूरी की स्थापना के द्विशताब्दी कार्यक्रम के तहत नगरपालिका परिषद की ओर से गांधी चौक पर बैंड स्टैंड पर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें आईटीबीपी के ब्रास बैंड ने मनमोहक प्रस्तुति दी, और मौके पर मसूरी को 200 साल पहले बसाने वाले कैप्टन अल्फ्रेड फेडरिक की पोती और उनके परिजन भी मौजूद रहे। तो वहीं कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मसूरी पालिका अध्यक्ष ने बताया कि 200 साल पहले मसूरी को बसाया गया था, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। भाग्य की बात है कि मसूरी को 200 वर्ष पूरे हुए हैं, 200 साल पहले यह शहर बसा था, कैप्टन यंग द्वारा बसाया गया था, और आज बड़ी खुशी की बात है उनके परिजन हमारे बीच में पहुँचे हैं, यहाँ पर रेशल जो पहुँची हैं उनकी फैमिली से बिलोंग करती है, एंसेस्टर्स हैं उनके, आगे जनरेशन फोर्थ फिफ्थ जनरेशन से उनके हैं, और आज बड़े सौभाग्य की बात है वो हमारे बीच में हैं, और हम बड़े हर्ष उल्लास से 200 साल मनाएंगे और मसूरी का, और पूरे साल ये कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे। परसों एक टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व DGMO अनिल भट्ट जी उसमें शिरकत करेंगे, कई महान विभूतियाँ भी उसमें आएंगी, और कई ऑथर्स जिनका मसूरी निर्माण में बहुत योगदान रहा है वो भी उस कार्यक्रम में पहुँचेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग इसमें मिलकर, जिन लोगों का मसूरी में बहुत योगदान रहा है और मसूरी के निर्माण में और मसूरी का जिनकी वजह से नाम है, उन सभी को उस प्रोग्राम में सम्मानित किया जाएगा, और हम आगे भी पूरे साल तरह तरह के जो कार्यक्रम होंगे, चाहे वो डिबेट्स हो, चाहे वो मैराथन हो, कई कार्यक्रम तो उस साल के मसूरी पे आयोजित किए जाएंगे। तो एक ग्रुप इनका है, दो ग्रुप इनके कल आने हैं, वो आइलैंड से पहुँचेंगे, कल उनकी लैंडिंग है, और उसके बाद वो परसों के कार्यक्रम में यहाँ शिरकत करेंगे। हल्द्वानी के स्वास्थ्य विभाग में बाहरी राज्यों के लोगों को ग्रुप सी पदों में नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संगठन सरकार के विरोध में है। इसी को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस दौरान उन्होंने सरकार पर प्रदेश के युवाओं को छोड़कर दूसरे राज्यों के लोगों को रोजगार देने का आरोप लगाया, साथ ही इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की भी मांग की। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड प्रदेश जिस परिकल्पना को लेकर बना था, आज वो परिकल्पना तार-तार हो चुकी है। हमारे इन आंदोलनकारियों ने सोचा होगा कि यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु रोजगार किसको मिल रहा है ये आपके सामने चीजें हैं। ग्रुप सी का एक ऐसा पद होता है किसी भी प्रदेश के लिए वहां के ही प्रदेशवासियों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए उसमें नौकरियां दी जाती है, परंतु उत्तराखंड में ये चल रहा है कि यहाँ पर ग्रुप सी के पद पर इसका पे ग्रेड 4600 रुपए है। उस पर यहाँ पर जब हमने देखा, जब RTI के माध्यम से कुछ हमने जानकारियां मांगी, तो उसमें ये खुलासे हुए हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के युवाओं ने यहाँ पर भर्ती में
अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की है। उत्तराखंड के काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है और इस मंडराती मौत के डर से लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जंगल की एक अपनी दुनिया और जंगल की दुनिया में बिग कैट फैमिली के 3 सदस्य टाइगर, लेपर्ड और चीता जो अपनी दहशत से जंगल पर राज करते हैं, जंगलों को छोड़कर रिहायशी इलाकों में अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया है, जिससे लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि सोए हुए अधिकारी क्या नींद से जागते हैं या फिर उच्च स्तरीय अधिकारी ऐसे लापरवाह कर्मचारियों पर कोई कठोर कार्रवाई करते हैं या नहीं। यहाँ पे जी हो गया 1.5 साल करीब हो गया है, वन विभाग को भी खबर दे रखी है मगर अभी तक तो कुछ अभी वो नहीं हुआ उपाय इसका। हम तो परेशान हो गए, यहाँ पे डर तो लगा ही रहता है। करा है ये भी बताया, सोच रहे इसी बारे में दिए, कितना कुत्ता है हमारा, कुत्ते को भी उठा के ले गया था एक बार, फिर हमारी गाय बच्चिया भी है उस पर भी हमला करा है। आज क्या हम सुबह उठे थे 6 बजे करीब, तो देखा था हमने कि लेपर्ड घूम रहे थे, तीन चार थे, एक तो वहाँ मरा हुआ था, उसकी सूचना हमने वन विभाग को दी है। वन विभाग से भी हमने कहा हमारा कुछ करो पिंजरे उंजरे का इंतजाम करो पकड़ने का, कुछ अभी तक तो उसमें हुआ है। जो आरक्षित वन क्षेत्र से बाहर आबादी के क्षेत्र में गुलदारों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई है, स्टाफ की गश्त भी की जा रही है, लेकिन ये सब पर्याप्त नहीं हो पा रहा। कई जगह पर हमने कई बार पिंजरे लगा करके वहाँ से शिफ्ट भी किए, लेकिन जो उसका बेसिक कारण यही लग रहा है कि जो उनकी संख्या अत्यधिक होने की वजह से वो नए नए एरिया की तरफ को जा रहे हैं और इसको फिर से हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से आबादी क्षेत्र से इनको हटा करके वन क्षेत्र में छोड़ा जाए। जैसे भी जहाँ लगातार अगर किसी आबादी के आसपास लगातार अगर मूवमेंट देखा जाता है तो उसके बाद हम जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेकर के वहाँ पिंजरा लगाते हैं। तो इसमें अभी तक इस क्षेत्र से किसी तरह का कोई मूवमेंट की क्षेत्रवासियों द्वारा अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई थी, इसलिए इस पर जो है पिंजरा लगाने के लिए इसके लिए परमिशन नहीं मांगी गई। अगर वहाँ से कोई इस तरीके का की मांग आती तो तत्काल पिंजरा लगा करके उनको सिद्ध किया जाए।